भाषण दे रहे हैं, जो रैली कर रहे हैं, उसकी जड़ में चंद दूरी पे ही हम धरने पे बैठे 24 दो साल से, और उसको सुध नहीं है, उसके नेता को सुध रहे, वीके सिंह स्टेज पे भाषण दे रहा, उसको कुछ पता नहीं है, और वो ये कह गया कि बिक मत जाइयो और उठ मत जाइयो, दो साल हो गए बैठे बैठे, उसे यहाँ तक फुर्सत नहीं है, वहाँ स्टेज पे तो बोलने की फुर्सत है, यहाँ स्टेज यहाँ आने की फुर्सत नहीं है उसे किसानों के बीच में, किसानों के बीच में बैठ के उन्होंने ये कहा कि बिक मत जाना, बिके ना उठे, बिकना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ जी, और वो आज तक अभी देखने भी नहीं आए, सुध भी नहीं लिए। वीके सिंह भी आए थे, राजनाथ सिंह जी भी आए थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए, और ये धरना हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा, विशाल ही होता रहेगा, कभी भी समाप्त ना होना, अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। बहनों और भाइयों में लग रहे हैं तेरे पीटने में। हाँ, किसान कौन पूछ रहा है, किसान तो खूब पूछ रहे हैं, चीनी होगी 45 रुपए किलो, गन्ना अभी हमारा 280-300 जा रहा है, और हम तो ये कहते हैं किसान की कोई जाति नहीं, किसान की तो किसान की कोई जाति किसान है, मुसलमान को ये कर देंगे, मुसलमान तुम सारे क्या कर दोगे, मुसलमान को नहीं, कोई क्या करने, कोई नहीं करेगा, वे भी तो हमारे भैया बंद है, और क्या उन्हें कहते तुम लिकाड़ सको, ये हमें लिकाड़ दो, कोई किसी को नहीं लिकाड़, जब लहू का रंग लाल है तो हिंदू मुसलमान आ कहां से गए, ये भी सब रहेंगे, बने तो इस धरती पे ही है ना, इंसान ने ही तो मुसलमान हिंदू को बनाया, भगवान ने अल्लाह ने थोड़ी बनाया, हम लोग यही चाहते हैं कि सारा समुदाय हमारा किसान मजदूर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, लेकिन ये जो चंद नेता लोग हैं, चंद पार्टियां, ये इकट्ठा जनता को नहीं रहने देंगे, इसलिए तख्ता पलट करना ही पड़ेगा, इस बार राजनीतिक मकसद पूरा करते हैं, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुद्दों की लड़ाई नहीं रही, जातिगत लड़ाई हो रही है, जातिगत राजनीति चल रही है, दलगत राजनीति चल रही है, भैया हमसे घृणा करने लगे, हम करने लगे बीच उस टाइम में, किसानों के कोई नहीं सुन रहा, अगर मिलते एक दूसरे से तो घृणा खत्म हो जाती, अपना दुख दर्द बांटते आपस में, मिले ही नहीं, बस एक दूसरे के उसको घूम रहे, दो सगे भाई लड़ पड़े, सब समझौता हुए, सगे भाई लड़ पड़े, मुजफ्फरनगर में यही तो हुआ, और क्या हुआ, वहाँ पे सपा के नेताओं का सब ने आगे आगे अपने आश्वासन दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन आज का मुसलमान, आज का जाट वहाँ अब भी एक है, उनकी बुद्धि बदल गई है, और वो अब किसी के प्रपंच में नहीं आएंगे।